हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में हम पूजा पाठ को बहुत मानते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं। जब भी कुछ अच्छा अवसर होता है हम पूजा करवाते हैं, जब भी कुछ बुरा हुआ होता है उसके बाद जब चीजें ठीक हो जाती है तभी भी हम शुक्रिया करने के लिए पूजा पाठ कराते हैं। इस कोरोना काल में बहुत चीजें खराब हो गई है, लोगों में बहुत सारी निराशाएं हैं, लोगों की लाइफ में काफी स्ट्रेस है। इस टाइप में पूजा पाठ करने से मन में शांति आएगी और फ्यूचर के लिए विश्वास और बढ़ेगा, तो इस टाइप पूजा पाठ कराना बहुत जरूरी है। लेकिन इस टाइम में पूजा पाठ करवाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वैसे तो हम पूजा पाठ जब करवाते हैं तो सबको बुलाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, सब लोग पूजा में बैठते हैं, फिर हम प्रसाद खाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। लेकिन अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम ये सब चीजें नहीं कर सकते, तो आज मेरे घर में पूजा है तो मैं वो सब चीजें आपको दिखाऊंगा। लेकिन हमने भी बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया है, सिर्फ हमारी फैमिली है, तो सिर्फ फैमिली के साथ ही हम लोग पूजा कर रहे हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करूंगा कि हम पूजा कैसे करते हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ, आपको भी वीडियो देख के बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। होने वाला है आज हमारे घर पर पूजा होने वाली है। और पूजा से क्या होता है? पूजा से हमको ताकत मिलती है। किस चीज की ताकत? काम करने की ताकत, काम करने की ताकत। अच्छा, और पढ़ाई करने की ताकत, पढ़ाई करने की। देखिए मेरी मम्मी है, प्रसाद बना रही है। ये केले का प्रसाद है, केला है, ये आटे का प्रसाद होता है, और ये आटे के प्रसाद को दूध में डाल करके प्रसाद बनाया गया है। इसको पंजीरी कहा जाता है और खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। ये फल फ्रूट्स है, सत्यनारायण भगवान की पूजा है, गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा है, तो इसके अंदर 5 फल होने ज़रूरी होते हैं। ये फल हो गए आपके, ये हवन होने वाला है तो हवन के लिए ये आम की लकड़ी है, सूखी आम की लकड़ी है, और ये भगवान जी हमारे, ये हमारे भगवान जी हैं, प्रणाम कर लीजिए। कलश है भगवान जी का, रतन हो गए आपके, ये हवन कुंड, और ये सारा सामान पूजा के लिए। ये देखिए पंडित जी हमारे, ये आम के पल्लव से गेट के लिए वो बना रहे हैं, गेट पे लटकेगा ये। हमारे हिंदू संस्कृति में आम के पेड़ की बहुत अच्छी मान्यता होती है, बहुत शुभ माना जाता है, तो किसी भी शुभ काम में हम आम के पल्लव या आम के पत्तों का यूज़ करते हैं, ताकि इसको गेट पे लगा सके। और कलश में भी इसको रखा जाता है, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊँगा, अभी पंडित जी बना रहे हैं इसको गेट पर लगाने के लिए। हमारी मम्मी जो कि अर्पण बना रही है, यह कोई भी हमारे घर में शुभ काम होता है, ये हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग जो भी हमारा घर अगर पूजा हो रहा है, कोई भी शुभ काम हो रहा है, उसमें ये बनाया जाता है। आप देख सकते हैं भगवान विष्णु मंगलम मंगलम गणवसुदे मंगलाय पुंडरी कक्षाय मंगलाय तनोहरे ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वात्मा शंकरी गौरी नारायणी नमस्ते नमो नमः ओम अविष्णु पवित्र सर्ववास्ता गतो कियत्पते पुंडरी कक्षा सूत्रा वेंचकृति ओम पुंडरी कक्षे ब्रतु। तो जी आप भी आसमन करो, ओम केशवाय नमः महात्मा नमः नारायणाभ्याय नमो नमः गंगा जल लो आप पीलो इसको हस्त्रों पर ख्यान ओम गोविंदाय नमो नमः। हाथ साफ कीजिएगा, भी रगड़ लीजिए दोनों हाथों को, हस्त्रों पर ख्यान ओम गोविंदाय नमो नमः। आओ बेटा ओम केशवाय नमः, ये वाला हाथ ऊपर करो बेटा, ऐसा हाथ करो गंगा जल गिरे ना, ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायण पीलो बेटा। भगवान की जय। सत्य नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण केशव नारायण नारायण हरि नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण केशव नारायण नारायण माधव नारायण
नारायण गोविंद नारायण नारायण प्रभु नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण शक्ति नारायण नारायण शक्तिदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। माँ की बिहारी लाल पूर्ण करके शीघ्र आ। माता के ऐसे वचनों को सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाक सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती ही जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबता भूल हुई है, उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, साधु तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया। यदि ये घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवैधो विष्णु बदोजा स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु बदोजा स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु बदोजा स्वाहा। तो गौरव बाबू नर विष्णु रूप नारी लक्ष्मी रूप है ना, जगत धर्म पत्नी के भी यज्ञ संपन्न नहीं होते, इसलिए हम दोनों को यज्ञ में बिठाते हैं ना। तो जब राम जी ने अश्रु में यज्ञ करा था और सीता जी आंतली में थी वन में चली गई, तो वहाँ पर सीता जी की सोने की मूर्ति उनके बराबर में स्थापित करके उनका यज्ञ अश्रु में मोक्ष भी हुआ। Thank you.